सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो पैरामेडिकल के स्कोप के बारे में है। पैरामेडिकल के क्या क्या स्कोप होते हैं, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि पैरामेडिकल में क्या स्कोप है, इसमें कौन से कोर्सेज आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसमें इमिग्रेशन रिलेटिव और पैरामेडिकल रिलेटिव और जितने भी आईलेट्स रिलेटिव वीडियोस आती रहती हैं, और चैनल पर बने रहिए। फर्स्ट आप प्लीज़ घर पर रहिए और थोड़ा सेफ रहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरामेडिकल कोर्स। जो भी बच्चा प्लस टू के बाद, यानी कि कोई भी हर स्टेट वाइज स्टेट करते हैं, किसी स्टेट में प्लस टू मेडिकल चाहिए होती है, किसी स्टेट्स में जैसे यूपी में है, बिहार में है, यहाँ प्लस टू मेडिकल चाहिए होती है, महाराष्ट्र में प्लस टू मेडिकल चाहिए होती है, मध्य प्रदेश में प्लस टू मेडिकल। अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेट है। तो हर स्टेट में प्लस टू मेडिकल कंपल्सरी होती है, किसी स्टेट में प्लस टू मेडिकल कंपल्सरी नहीं होती है। एनी स्ट्रीम बच्चा कोर्स कर लेते हैं। अब जैसे A&M वाला आता है बच्चा, वो प्लस टू आर्ट्स होता है, तो वो A&M में उसको हर जगह एडमिशन मिल जाती है। कोस्टर वेरी करता है। अगर ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर रहा है तो पंजाब में है, बिना अगर बच्चा प्लस टू मेडिकल नहीं है तो उसे को एडमिशन मिल जाती है। तो एक साल का कोर्स होता है, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, दो साल का डिप्लोमा होता है और चार साल की BSc ऑपरेशन थिएटर का कोर्स होता है। अब A&M में 2 ईयर्स का, 2.5 साल का ड्यूरेशन होता है। अब आते हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये भी पैरामेडिकल स्टाफ में आता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको पता ही है। जैसे लैब में टेस्ट होते हैं, अगर हमने शुगर टेस्ट करना है, कोई भी टेस्ट करना है, वो इस चीज़ में आते हैं। इवन हमने ब्लड टेस्ट करना हो, शुगर टेस्ट करनी हो, या कोई भी अपना टेस्ट चेक कराना है, कैस्ट्रोल हमारा कितना है, वो कोई भी चेक करना है, वो लैब टेक्नीशियन में आता है। और उसके लिए काफ़ी स्टेट वाइज में प्लस टू मेडिकल चाहिए तो, और किसी में प्लस टू मेडिकल नहीं चाहिए होती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी किसी यूनिवर्सिटी में प्लस टू मेडिकल की डिमांड होती है, किसी में नहीं होती, डिपेंड टू वेरी करता है। वो आप प्लीज़ चेक कर लिए। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर, और व्हाट्सअप नंबर पर नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ये कितने ईयर्स का होता है, प्लस टू के बाद ही होगा। 1 ईयर का सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है। दूसरे की ड्यूरेशन होती है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन 2 ईयर्स का, और BSc इन लैब टेक्नीशियन हो जाती है। तो ये डिमांड है, इसमें ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं, अपनी लैब भी खोल सकते हैं, वहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं, तो पर क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आ जाता है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिस्ट DRRT, ये भी प्लस टू मेडिकल से, डिपेंड टू स्टेट वाइज। अब इसमें क्या है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट, 2 ईयर्स का डिप्लोमा और 3 साल की BSc, डिपेंड वेरी। और फिर अगर आपने BSc नर्सिंग करी है फिर हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में डिमांड है, इसकी हर जगह डिमांड है। अब तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की, बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्लीज़ अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर बनेगा। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।